रतलाम में नल जल योजना में ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड होने के बाद भी धांधलियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। गांव राजपुरा पंचायत के सरपंच ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया लेकिन चौकीदार को ब्लैकमेल किया है कि वह सरपंच व ग्रामीण से नल जल के प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर करवा कर लेकर देगा तो उसे उसकी 5 माह का बकाया वेतन देगा। सरपंच राजीव देवरा व चौकीदार व ग्रामीण सभी PHI जिला कार्यालय पहुंचे और काफी हंगामा किया कि काम पूरा नहीं हुआ है और हमसे कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है। यदि आपने इस प्रमाण पत्र के लिए ठेकेदार से नहीं कहा तो आप इस पर कार्यवाही क्यों नहीं करते। सरपंच महिला ने PHI अधिकारियों को जमकर खरीखोटी सुनाई और कहा कि यदि ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड है तो उसी से क्यों काम किया जा रहा है। आप कार्य जल्द पूरा करवाने के लिए अन्य ठेकेदारों को कार्य देने की कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। सरपंच महिला ने जमकर अधिकारियों की ही लताड़ लगा दी। इसमें आप भी दोषी हैं। क्यों ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार काम पूरा होने के पहले हमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इधर अधिकारी भी इस पूरे मामले में अधिकारी भी अजीबो गरीब बयान दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ब्लैक लिस्टेड से ही पूरा काम दे लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं। जब अधिकारी से मीडिया ने अन्य ठेकेदार को कार्य देने पर सवाल किया तो अधिकारी फिर ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार के पक्ष में जवाब देते नजर आए कि ठेकेदार ने बहुत कुछ काम कर दिया है। इस तरह के जवाब से अधिकारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि दरअसल बीते माह नल जल योजना में लापरवाही को लेकर रुचिका फर्म के ठेकेदार अनिल पुरोहित को कलेक्टर के आदेश से ब्लैक लिस्टेड किया गया था। सेमलिया गांव में ठेकेदार ने गुणवत्ता से कार्य नहीं किया था। बार बार कहने के बाद भी जब कार्य में लापरवाही सामने आई तो ठेकेदार पर ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की गई। लेकिन अब सवाल यह है कि PHI ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार से ही काम क्यों ले रहा है। यदि वह पहले ही गुणवत्ता का कार्य करता तो उसे ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाता लेकिन बावजूद उसी ठेकेदार के भरोसे PHI अधिकारी कार्य को पूर्ण करने की मंशा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हालत यह है कि ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी धांधली से बाज नहीं आ रहा है और अब चौकीदार को अपूर्ण काम के लिए NOC प्रमाण पत्र लाने को कहा है। वह भी इस शर्त पर कि यदि उस पर प्रमाण पत्र पर सरपंच और ग्रामीणों के हस्ताक्षर लाएगा तो ही उसका बकाया 5 माह का वेतन मिल पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्राची इंटरप्राइज है और इनके ठेकेदार अनिल पोरवाल हैं और ढोलका सेमलिया और धबईपाड़ा इसके अलावा जुनवानिया इस तरह की 5 पंचायतें हैं। 5 पंचायतों ने टेंडर ले रखा था और टेंडर के द्वारा 5ों पंचायतें दुखी है और अधिकतर मतलब काम सब अधूरा है और अधिकतर घर में मतलब लाइनें कनेक्शन लेना, टंकी में ढक्कन लगाना, बहुत सारा काम पेंडिंग बाकी है। और आज जैसे कि मतलब 2 दिन पहले चौकीदार जो यहाँ बेचारा रह रहे हैं इनकी ज़मीन गई वो टंकी में, यहाँ खेती करते थे इन्होंने, वो गाँव की भलाई के लिए वो टंकी के लिए ज़मीन दे दी 5-4 बीघा। अब वो जब टंकी बन गई उनका लड़का चौकीदार कर रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चों को पाल रहा है। अब वो 5 महीने से चौकीदार कर रहा, 5 महीने से उसका भुगतान नहीं किया गया है। अब वो जब वो लेके आया बोला उसने कि मेरा पेमेंट करो, मेरा बच्चा बच्ची है, परेशानी आ रही है, तो उसने पूर्णता प्रमाण पत्र के कागज ये अनपढ़ है उसको दे दिया कि जाके सरपंच साहब मंत्री साहब के साइन करा लेना तो तेरा मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इन्हें पूछा काई का ये काई के साइन है, बोले तू काम कर रहा है इसकी ये है कि तेने काम करा मेरे पास, यूँ झूठ बोल के उसको पूछा दिया। जब ये मेरे पास आया कागज लेके ग्राम पंचायत में तो मैंने देखा ये पूर्णता प्रमाण पत्र का एक वो है, अगर पूर्णता प्रमाण पत्र अगर दे देंगे तो उसका जो बचा हुआ यहाँ पे है भुगतान का 10% या 20% जो भी, वो भी भुगतान करके वो चला जाएगा। और जबकि काम उसका अभी भी बहुत 50% से ऊपर काम शेष बचा है और 2 साल से ऊपर हो गया है। जुनवानिया और धबईपाड़ा सेमलिया और ढोलका और बांगरोद इस तरह की 5 पंचायतें जो आज भी मतलब परेशान है, जनप्रतिनिधि भी परेशान है, गाँव की जनता भी परेशान है। 320 कनेक्शन धारी है हमारे यहाँ पे, सभी से आधार कार्ड ले लिए हैं पर वहाँ उनके घरों में कनेक्शन अभी तक नहीं भी दिए गए। 5 महीना हो गया मेरा पेमेंट का, वो बोले कि इस पर साइन करेला सरपंच ना ना सब गांव वाला ना मंत्री ना ना तेरी पेमेंट कर दूंगा। तुमने सरपंच साहब ने बताया, सरपंच मैं भी सर बोला ठेकेदार वो टंकी वाला तो आना ने ये कह के मन व्हाट्सएप कर ये कह के नहीं करना, मैं दोबारा नहीं करना फिर यहाँ पे आया आज वो साइन कराओगे तो ही वो पेमेंट, हाँ तो ही पेमेंट दूंगा। क्या बोला था वो, क्या बोला था बताओ। आगे बोला कि और 1 महीना ना 5,000 दूंगा तो उन्होंने नहीं दिया, अभी मांगने गया था। कितना टाइम कितना ये 5वां महीना चल रहा है। क्या हुआ ठेकेदार का नाम क्या और आप क्या करते हो वहाँ पे? मेरा नाम नाथू है, मैं रखवाली करता है वहाँ पे चौकीदार। अरे वो ठेकेदार का नाम अनिल पुरवा। अनिल पुरवा
मैं गांव में हूँ, धवईपाड़ा में, तो अभी वाटर लेवल डाउन हो गया है, थोड़ा पानी आने के भी इस बार हर जगह समस्या है। अब वो योजना को कुछ समय चलाया है तो उस आधार पे वो उसको 3 महीने का ट्रायल रन है। अभी वो हमने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि वो हुआ, लेकिन वो चाह रहा है कि ये पंचायत के माध्यम से, हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैंने चालू कर दिया, इसलिए वो उसके द्वारा ठेकेदार के द्वारा प्रमाण पत्र लाने के लिए उसको जो चौकीदार रखा है उसको दिया गया है। हाँ, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया है, उसके हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ भी काम उसने लिया है। अब ये 2 साल हो गए, हमें अभी बीच में भी ये उन्होंने ज्ञापन दिया था तो हमने उनकी कार्रवाई की है। अब इसको देखते हैं शासन स्तर पे कुछ क्या कर सकते हैं, वो करवाएंगे हम आगे। काम के लिए ठेकेदार बदला जाएगा या ठेकेदार काम? नहीं, वही चीज़ है, अब उसमें काम कितना क्या है यही से सब जानकारी लेके फिर रिस्क एंड कॉस्ट पर कराएंगे हम। काम तो यही करेगा, अगर वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कैसे तैसे कर ले काम तो ठीक रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ी वो आ रही है कि वो कह रहा है कि मेरा जितना काम है मैं उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, तो वहाँ पर साइड पे जो एस्टीमेट बनता है उसमें कहीं ना कहीं वो वेरिएशन आता है, तो वो हमारे साथ एक बड़ी समस्या हो गई। जैसे इन्होंने कहा कि एक मोहल्ले में वो नहीं पाया, तो वही कारण है, वो मान नहीं रहा है ना वो ठेकेदार। वो अच्छा ठेकेदार होता तो हम उससे कैसे भी करके भाई हम रिवाइज कर लेंगे, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं है। ठेकेदार बदलने की कार्रवाई होगी क्योंकि काम काफ़ी डिले हो रहा है। नहीं ठीक है, काम उसने काफ़ी कुछ कर दिया है, थोड़ा टेस्टिंग वगैरह है, वो हो जाए तो 80% वो 2 साल से वो नाला लगाने का टूट फूट गए, वो तो मेंटेनेंस बढ़ी रहा है उसका। वो तो इस योजना के अंतर्गत टंकियाँ बनना थी और कितनी कंप्लीट हुई अभी तक? इसमें धवईपाड़ा जिले में नहीं, काम तो हमारा सब चल रहा है, हमने 177 योजना पूर्ण कर ली है और उसमें से करीब करीब 60 से ज़्यादा हमने एंड ओवर भी कर दी है। रुचि कंस्ट्रक्शन के पास कितनी टंकियों का काम है? अभी उसके पास तो 2 जगह का है, मतलब तो 4 टंकियां हैं इसके करीब। चारों जगह पूर्ण है अधूरा काम? नहीं, काम तो टंकियां तो अभी जावरा के अंदर वहाँ पर पिपलोदा में उसका काम चल रहा है, वहाँ अधूरा है, बाकी ये 2 जगह टंकी धवईपाड़ा जुलवानी कम्प्लीट कर ली है उसने। हमारा खेत कपास ना सब खड़ा था ना, हमारा नल फिटिंग लगाए थे नल, तो वहाँ अभी तक दो नल नहीं लगा, पूरे फैसल ने मास होते थे अभी तक नहीं लगा। और वो क्या कैसे समस्या आ रही है? हैंडपम्प सब सूख गए, हैंडपम्प सब सूख गया, पानी अभी चालू हुआ है तो हम जब पिया, नहाना धोना का ही परेशान हो रहा है। नदी से लाता है? नदी खाल से? खाल से लाते। सब हमारे घर नल नहीं लग रहा, पानी की दिक्कत आ रही है, पाइप लाइन गल रखी वो नल नहीं लगाया और पानी की बहुत समस्या हो रही है हमको। सब सूख गया, सब कहीं पानी खाल से ला रहा है, कहीं कहीं से ला रहा है, इसे ला के पी रहा है, बिल्कुल पानी नहीं है। नाम बताओ। सागू। रतलाम से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।